अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग खुशहाल हैं और सेहतमंद हैं। आज मैं आपको आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना सिखाएंगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, ये आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें लेना होगा 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम मटर और 2 बड़े आलू। और हमने उनको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है। आप जितना लेना चाहे क्वान्टिटी आप उतना लीजिएगा, लेकिन हमने इतनी ही ली है। फिर हमने लिया है एक टमाटर, उसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और टमाटर से दोस्तों और यमी और चटपटा फ्लेवर आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करिएगा। स्पाइसेस में हमें लेना होगा 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। दोस्तों हमें स्पाइसी खाना नहीं पसंद, इसलिए हमने थोड़ा रेड चिली पाउडर थोड़ा कम लिया है। फिर आपको ये प्याज फ्राई कर लेनी है मस्टर्ड ऑयल में, जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। जब आप प्याज फ्राई कर ले तो फिर आप ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लीजिएगा। जब आप सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें, फिर आपको 2 ग्लास पानी के ऐड करने होंगे और डिश को कवर करके आप स्टीम पे पकने को रख दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब ये आलू मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है और मेरी मॉम ने अब सर्व कर दी है और उसको गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो आप ज़रूर ट्राई करके बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी मेरी मॉम की रेसिपी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इतना प्यार देने के लिए, उतना सपोर्ट करने के लिए, हम जुड़ी किचन फैमिली को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशहाल और सेहतमंद रखे, आमीन। और आप हम सबको अपने दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। شكرا كثير للمتابعين العرب على حبكم ودعمكم ودعواتكم لقناتي، الله يسعدكم ويوفقكم دائما يا رب، وان شاء الله بشوفكم فيديو جديد مع وصفه سهله وبسيطه، وبليز جربوا هالوصفه واحكوا لي اذا عجبتكم ولا لا بالكومنتس، ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان تضلكم ابديتد مع فيديوهاتي الجديده ووصفاتي الزاكيه، شكرا كثير على كل شيء. और बस दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आपसे ऐसी अगली वीडियो में और यम्मी और चटपटी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।